एज वी नो एच डी एल सी जो है एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसकी तीन बेसिक फ्रेम्स होती है, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। आई फ्रेम इज द इंफॉर्मेशन फ्रेम जो डेटा के या इंफॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है, सुपरवाइजरी फ्रेम, एस फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम। हम अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एच डी एल सी की सुपरवाइजरी फ्रेम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जब भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कराना होता है तो कैसे हेल्पफुल होती है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि एच डी एल सी की जो पूरा का पूरा फ्रेम फॉर्मेट है उसमें जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है जो कि 8 बिट की है, उस 8 बिट में हर एक बिट का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। द फर्स्ट 2 बिट्स रिप्रेजेंट कि ये आई फ्रेम है, एस फ्रेम है या यू फ्रेम है, और उसके बाद की जो बिट्स हैं उसमें 2 बिट जो है वो स्पेसिफाई करती हैं सुपरवाइजरी फ्रेम का फंक्शन, और उसी में 4 तरीके के फंक्शन है, 00, 01, 10, 11 स्पेसिफाई डिफरेंट फंक्शन। हम अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिसीव रेडी और रिसीवर नॉट रेडी। ये दोनों के बारे में हम देखेंगे कि हाउ दे आर हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और डेटा ट्रांसमिशन तो अलग ही है, तो सुपरवाइजरी फ्रेम का हम एक फीचर देखना चाह रहे हैं। सो नाउ इफ से दिस इज प्राइमरी, ये बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी के बीच के कम्युनिकेशन की बारे में बात कर रहे हैं हम, जब एच डी एल सी के बारे में ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं। सो नाउ 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो प्राइमरी डेटा भेजना चाहता है सेकेंडरी को, या प्राइमरी का फंक्शन है कि वो सेकेंडरी से पूछे कि वेदर इट हैज सम डेटा टू सेंड और नॉट। तो दोनों तरीके के फंक्शन हम देखेंगे। नाउ हम पहला देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सेकेंडरी के पास कोई डेटा है जो वो प्राइमरी को भेजना चाहता है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नोन एज पोल, इसे कहा जाता है पोल फीचर। पोल करना मतलब आस्किंग द सेकेंडरी कि अगर आपके पास कुछ डेटा है तो आप भेज दीजिए। हाउ इट विल पोल, सो दिस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजरी फ्रेम विल बी यूज्ड, द सुपरवाइजरी फ्रेम फर्स्ट 2 बिट विल बी यूज्ड एज 10, वो सुपरवाइजरी फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगी। एंड देन द आरआर फीचर दैट रिसीव रेडी इज यूज, रिसीव रेडी के लिए जो कंट्रोल बिट की फर्स्ट 2 बिट है वो तो सुपरवाइजरी बिट के लिए यूज की जाएगी, नेक्स्ट 2 बिट्स विल बी प्लेस्ड एज 00। फिर उसके बाद P/F का एक फंक्शन है, P/F मतलब पोल या फिर फाइनल, यहाँ पर यूज की गई है टर्मिनोलॉजी पोल या फाइनल, तो पोल को सेट कर दिया जाएगा। सो द पोल विल बी सेट फॉर RR एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी रिसीव्ड, जब सेकेंडरी के पास आएगी तो सेकेंडरी को पता चल जाएगा कि पूछा जा रहा है कि मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं भेजना चाहता हूँ। अगर इसके पास डेटा होगा, इफ द सेकेंडरी हैज सम डेटा टू सेंड, तो वो क्या करेगा, इस पोल जो पोल और फाइनल वाला जो फीचर था उस पोल और फाइनल वाले में पोल को 0 कर देगा, मतलब यहां पे उसको कंसीडर किया जाएगा फाइनल। जब भी यहां से पोल किया जाएगा तो सेकेंडरी उसको फाइनल का जवाब देगा, मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट कंसीडर किया जाएगा। और क्योंकि अगर सेकेंडरी के पास डेटा होगा सो इट विल सेंड डेटा डायरेक्टली टू द प्राइमरी, सो इसे कहा जाता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इस वाले कंडीशन को कहा जाता है पोल, इसे कहा जाता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू पोल। मान लेते इसके पास डेटा ये भेजता जाएगा, एफ को 0 सेट करके ही रखना पड़ेगा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में, और डेटा यहाँ से सेंड हो जाएगा। लास्टली जब मान लेते हैं कि सेकेंडरी हैज नथिंग टू सेंड फर्दर टू द प्राइमरी, इसका डेटा खत्म हो गया, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट फ्रेम होगी उस लास्ट फ्रेम में क्या करेगा, इस एफ को 1 सेट कर देगा। अभी आरआर ही इन्फॉर्मेशन है, इसको 1 सेट कर देगा और जो है लास्ट फ्रेम है डेटा जो है यहाँ पे भेज दिया जाएगा और एफ 1 सेट कर दिया जाएगा। ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पर इस प्राइमरी को कि अब इसके बाद फर्दर इसके पास कोई डेटा नहीं, फर्दर कोई डेटा नहीं, नो फर्दर डेटा, अब कोई डेटा नहीं है, ये पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। कम्युनिकेशन कैसे हुआ, इसने इसको पोल किया कि भाई आपके पास डेटा है, इसने कहा यस पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एफ इज इक्वल टू 0, डेटा भेजना चालू, डायरेक्टली डेटा भेजा, पूरा डेटा भेजता गया फ्रेम वाइज 5 फ्रेम, 10 फ्रेम, 20 फ्रेम, जितनी भी फ्रेम गई, लास्ट फ्रेम में उसने एफ इज इक्वल टू 1 सेट कर दिया आरआर के साथ, आरआर मतलब 00, तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में कंट्रोल बिट 00 और एफ 1, इसका मतलब नो फर्दर डेटा आया है, अब ये लास्ट है, इसके बाद कोई डेटा नहीं। मान लेते हैं ये तो एक पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया, मान लेते हैं कि अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी को पोल करता है यूजिंग द सेम इन्फॉर्मेशन दैट पी इज इक्वल टू 1 आरआर, बट सेकेंडरी हैज नथिंग टू सेंड, इसके पास कोई डेटा नहीं है,
इसने यहाँ पे तो डेटा भेज दिया था, अभी सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अभी सेकंड कंडीशन है दैट सेकेंडरी हैज नो डेटा टू सेंड. अब कोई डेटा सेंड करने के लिए नहीं है तो सिंपली वो क्या भेजेगा, एक निगेटिव रिस्पॉन्स भेजेगा. अब अगर उसे वो निगेटिव रिस्पॉन्स भेजना है तो वही यूज करना है. क्या यूज करना है, जो यहाँ यूज किया गया है, एफ इज इक्वल टू वन और रिसीव रेडी, मतलब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में रिसीव रेडी 00 सेट किया जाएगा और एफ इज इक्वल टू वन सेट कर दिया जाएगा. सो इट विल इंडिकेट अ निगेटिव रिस्पॉन्स टू पोल. इट मीन्स मेरे पास कोई डेटा नहीं है. तो ये तो पोल की दोनों कंडीशन हो गई, डेटा है भेज दो, डेटा नहीं है नो रिस्पॉन्स. किसको यूज किया है, रिसीव रेडी को. सो इस तरीके से रिसीव रेडी यहाँ पे पोल और डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाएगा. नाउ ये तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया. इन केस अगर मान लेते हैं दैट पोल वॉन्ट्स टू सेंड सम डेटा टू द सेकेंडरी, सिलेक्ट करना चाहता है. सिलेक्ट करने के लिए वही वाली बात है कि यहाँ पे हमने किसको किया है, पोल किया है, तो इसका जस्ट अपोजिट हम दूसरा फीचर यूज करेंगे, रिसीव नॉट रेडी. और रिसीव नॉट रेडी के साथ फिर से पी ऑब्लिक वन, मतलब पोल और फाइनल को आपको सेट रीसेट करना है. यहाँ पे जब पी इज इक्वल टू वन, मतलब जो आपकी फर्स्ट फोर बिट को छोड़ के जो फिफ्थ बिट है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की, वो सेट की जाएगी. और आर एन आर मतलब कि जो फर्स्ट टू बिट्स है आफ्टर सुपरवाइजरी फ्रेम की इन्फॉर्मेशन के, वो 10 सेट कर दी जाएगी. सो वॉट डज इट मीन, वॉट इंडिकेट्स टू द सेकेंडरी, जब ऐसी इंफॉर्मेशन प्राइमरी भेजता है, इसका मतलब प्राइमरी ने क्या किया है, सेकेंडरी को सिलेक्ट किया है. सेकेंडरी को सिलेक्ट किस लिए किया है, ताकि प्राइमरी सेकेंडरी को डेटा भेजे. यहाँ पर सेकेंडरी से पूछा जा रहा था, यहाँ सेकेंडरी को भेजा जाएगा. तो अगर इसने यहाँ पर रिसीव कर लिया कि ठीक है भाई आई हैव समथिंग, तो क्या करेगा, और यहाँ पर ये फ्री है तो ये भेज देगा एफ इज इक्वल टू वन आर एन आर. इसका मतलब द सेकेंडरी इज फ्री एंड रेडी टू रिस्पॉन्स. रेडी टू रिस्पॉन्स मतलब ये इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. किसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं, अब मुझे जो भी डेटा प्राइमरी भेजेगा वो मैं रिसीव करूंगा. सो यह तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेज दिया, क्योंकि अभी सेकेंडरी क्या है, मान लेते हैं कि फ्री है. सो ये एक कंडीशन हो गई. नाउ इन द सेकेंड कंडीशन द सेकेंडरी सिलेक्टेड बाय द प्राइमरी दैट P is equal to 1 RNR, but in second situation the secondary has no time, वो किसी और task में busy है, वो उसको पूरा का पूरा information use नहीं कर सकता, मतलब जो data यहाँ से इसको भेजा जा रहा है वो use नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, एक negative response भेजेगा. अब negative response के लिए क्या है, F is equal to 1 और भेज देगा RNR. ये negative response हो गया. तो ये हो गया निगेटिव रिस्पॉन्स टू सिलेक्ट. यहां पर आरआर भेजा गया है, यहां पे आरआर भेजा गया है. जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेजा जाएगा तो आरआर भेजा जाएगा, और जब निगेटिव रिस्पॉन्स है तो आरएनआर, मतलब जो आपकी फर्स्ट टू बिट्स है आफ्टर द सुपरवाइजरी फ्रेम अगर 00 है, सो द पोल गॉट द इन्फॉर्मेशन, ये जो प्राइमरी है वो पता कर लेगा कि यस इट इज फ्री, आई कैन सेंड माई डेटा. बट इन केस अगर सेकेंडरी फ्री नहीं है तो वो आर एन आर मतलब 10 सेट करके भेजेगा और एफ इज इक्वल टू 1 सेट करेगा, तो निगेटिव रिस्पॉन्स है, इट इज बिजी इन समथिंग एल्स, अभी ये आपका डेटा रिसीव नहीं कर सकता. तो ये हो गई आपकी चार कंडीशन. यहाँ पे पोल करना है, पोल करना है मतलब प्राइमरी क्या करना चाहता है, सेकेंडरी से पूछ रहा है कि वेदर यू हैव डेटा टू सेंड, यस आई हैव सम डेटा टू सेंड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डायरेक्ट डेटा भेजना है, एफ इज इक्वल टू 1 आरआर, निगेटिव रिस्पॉन्स. दोनों ही केसेस में आरआर यूज किया गया है, जब निगेटिव रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसकी तरफ से जाएगा, सेकेंडरी की तरफ से जाएगा. तो दोनों ही केस आप चाहे पोल के लिए करें चाहे सिलेक्ट के लिए करें. और अगर हम निगेटिव रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं सिलेक्ट का, तो आरएनआर यूज करना. सो दीज आर द फोर सिचुएशन, फोर कंडीशन, हाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कम्युनिकेट्स यूजिंग एचडीएलसी सुपरवाइजरी फ्रेम और एस फ्रेम्स.